आज सुबह से हो रही जोरदार बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे से मेरठ, दिल्ली, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते जहां धान की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, वहीं लोगों को बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ा है। आप देखिए चारों तरफ अब भी बारिश बूंदाबांदी। आज भी मौसम विभाग ने मेरठ सहित NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश NCR ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड में भी मौसम ने काफ़ी पलटी मारी और जबरदस्त बारिश इस समय उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में हो रही है। इसके चलते कई यात्राओं को भी स्थगित करना पड़ा है। वहीं बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जहां कई जगह बिजली गिरने की, आकाशीय बिजली गिरने की सूचना है। वहीं बहुत सारे इलाके अंधकार में भी डूबे हुए हैं। बारिश के चलते बिजली कटौती से मेरठ वासियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये आकाश में बादल कहीं दूर दूर तक खुलने का आज भी कोई नामो निशान नहीं मिल सकते। जबरदस्त बारिश, इस बारिश के चलते जहां तापमान में काफ़ी परिवर्तन आया, अधिकतम तापमान इस समय 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है मेरठ का, 28 डिग्री सेंटीग्रेड मेरठ का अधिकतम तापमान। वहीं न्यूनतम तापमान इस समय 20.6 डिग्री सेंटीग्रेड। बारिश के चलते वायु सूचकांक में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। समय मेरठ का वायु सूचकांक जो कि 350 तक पहुंच गया था, अब काफ़ी सुधरा हुआ बारिश के कारण। इस समय